अध्याय 3। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और पालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीही पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।